हेलो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रहा हूँ आपके बीच काजू पिस्ता केसर रोल, जो आप मार्केट से खरीद के लाते हैं तो 1200-1500 रुपये किलो पड़ता है आराम से। और आपको ये घंटों की मशक्कत नहीं करना है, 10 से 15 मिनट में आपका काजू पिस्ता रोल तैयार हो जाएगा। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। रेसिपी को शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि आपको घंटों दो घंटा जो आप लोग को लगता है कि काजू को बर्फी बनाने या रोल बनाने में बहुत समय लगता है, तो वैसा कोई बात नहीं है। हम सूखा ड्राई काजू पीसेंगे, सो फुलाना उलाने का झंझट नहीं है, इसीलिए हम 15 से 20 मिनट में ही हमारा काजू रोल तैयार हो जाएगा। तो इसको एक ग्राइंडर में, मिक्सी ग्राइंडर में सबको डाल लेंगे। ये हमारा क्वांटिटी में 200 ग्राम है काजू। अगर कोई ज़रूरी नहीं है साबुत काजू का ही बनाना है, टूटा फूटा भी काजू रहेगा तो चलेगा, काजू साफ होना चाहिए। तो इस हिसाब से सारा काजू हम इस ग्राइंडर में डाल दिए हैं और ढक्कन लगा करके इसको पीस लेंगे हम। थोड़ा सा और चला लेंगे, एकदम बारीक पीसना है इसको ज़्यादा नहीं पीसना, ज़्यादा पीसेंगे तो इसमें फिर तेल छोड़ देगा, इसीलिए हम बारीक है हमारा पीसा गया है। इसको एक बर्तन में खाली कर लेंगे, इसको ज़्यादा नहीं चलाना है, ज़्यादा चलाएंगे तो फिर घी छोड़ देगा, इस बात को भी आपको ध्यान देना है। दरदरा इस तरह से हम पीस लेंगे एकदम बारीक। अब इसमें एक काम करना है, जैसे हमारे ये 200 ग्राम काजू है तो इसमें 180 ग्राम चीनी ऐड करेंगे। तो चीनी इसमें हम क्या करेंगे, चीनी का हम चाशनी बनाएंगे। ये पैन में 180 ग्राम चीनी डाल दिए हैं, आधा कप से कम पानी डालेंगे। जब तक कि हमारा चीनी गलता नहीं है तब तक इसको हम चलाते रहेंगे। आपको ये भी ऐसा लगता होगा कि काजू फुला के नहीं बनाया है तो कैसा बनेगा, बहुत अच्छा और बहुत लाजवाब बनेगा ये, इसीलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। जो आप बाज़ार से जाते हैं लाने के लिए काजू कतली है तो आपको भी सब फीलिंग होता होगा मिलावट है ये, तो ये ऐसा है वैसा है कुछ नहीं, एकदम आराम से इजी बना सकते हैं। आप इसी प्रकार से काजू कतली भी बना सकते हैं या काजू रोल भी बना सकते हैं। जब हमारा थोड़ा सा चीनी गल जाएगा तो इसमें भी थोड़ा सा दूध देंगे, जो दूध का चीनी का गंदगी है वो निकल जाएगा तो और हमारा काजू रोल एकदम फाइन होगा। इसमें थोड़ा सा पानी मिला भी देंगे, जो डायरेक्ट दूध नहीं देने का है। काजू हम इसलिए नहीं फुलाएं, काजू फुलाने के बाद घंटों लग जाता है, इसीलिए हम शॉर्ट में बना रहे हैं, एकदम आपके लिए आसान करने के लिए हम बिना काजू फुलाए बना रहे हैं और बहुत बेहतरीन बहुत लाजवाब बनेगा। काजू फुलाने के बाद थोड़ा सा पानी का अंदाज़ आ जाता है तो उसको भूंजो, सुखाओ, गीला हो, यह वो है ये है, और उसी झंझट से बचने के लिए आपको हम जो दुकानदार लोग बनाता है शॉर्ट में उस प्रकार से आपको बना रहे हैं कि घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। तो इसलिए कोई ज़रूरी नहीं कि फुलाएंगे तो हम बहुत बढ़िया बनेगा, नहीं फुलाएंगे तो बहुत ख़राब बनेगा, वैसा कोई बात नहीं है। तो हमारा देख सकते हैं चीनी पूरा अच्छी तरीके से गल गया है, और जो दूध डालने के बाद जो हमारा गंदगी हुआ है उसको हम साइड साइड इस तरह से निकाल लेंगे हम। जो हमारा सीरा चाशनी एकदम पूरा साफ हो जाएगा, थोड़ा गंदगी हटाने के लिए थोड़ा सा हम पानी और इसमें ऐड करेंगे हम। थोड़ा सा पानी दे दिए हैं, जो हमारा जो भी बचा खुचा गंदगी होगा निकल जाएगा, उबाल आएगा तो हमारा गंदगी जो भी है साइड से निकाल लेंगे हम इस प्रकार से। इसको हम अच्छी तरीके से चला लिए हैं चीनी गला करके। अब जो हमारा ये काजू का पेस्ट जो तैयार था वो डाल देंगे हम इसमें। पेस्ट को गाढ़ा पतला नहीं देखना है, बस इसको इसी प्रकार से चलाते हम इसको थोड़ा सूखा लेंगे। और चाशनी बना के देने से आप चाहें तो सूखा पीस के चीनी भी डाल सकते हैं। चीनी डालने से होता है कि अगर जल्दी मिला के भूंजेंगे बनने के तो बन जाएगा, लेकिन मुँह में अगर चिबाइएगा तो हल्का हल्का चीनी का दाना आ जाता है। यह भी आप देख सकते हैं जो मावा और चीनी डाल के जो पेड़ा बनाता है उसका उसी तरह से टेक्सचर हो गया है, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। इसको हम अच्छी तरीके से मिलाएंगे और सारा जो ढेला है हमारा एकदम पेस्ट के तरह हो जाएगा, और चलाते रहना है इसको, हम छोड़ेंगे नहीं। अगर चलाना छोड़ देंगे तो कहीं कहीं लग जाएगा, तो इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान देना है कि चलाते रहना है, लो फ्लेम में ही इसको कंप्लीट करना है। लगभग ये हमारा चाशनी में दिए हुए काजू को पेस्ट का 5 मिनट हो गया, ये हमारा देख सकते हैं अच्छे तरीके से हो गया। अब इसको हम गैस को बुता देंगे और इसको इसी तरह से जितना रगड़ा देंगे उतना साफ़ होगा। इसमें कोई जैसे हम लोग मिठाई और दुकानदार जो बनाता है तो उसमें थोड़ा सा मार्केट से केमिकल आता है वो डालता है, तो हम गैस को बुता दिए हैं और इसको हम चलाते रहेंगे। और एक बात आपको इस बात को ध्यान देना है कि जब काजू रोल या काजू कतली जो भी बनाते हैं या बादाम रोल बनाते हैं तो इस बात को आपको ध्यान देना है कि सिल्वर वाला बर्तन में इस्तेमाल नहीं करना है। सिल्वर वाला इस्तेमाल कीजिएगा तो आपका
बर्फी काला हो जाएगा, सिल्वर कलर छोड़ता है, तो इसीलिए आप लोहा का साफ कढ़ाई लेना है या नॉनस्टिक कोई भी पैन लेना है। इसको हम थोड़ा सा पसार देंगे और ठंडा होने देंगे अच्छी तरीके से हम। आपको भी लगता होगा कि ये अभी गीला है, तो ठंडा होगा तो सेट हो जाएगा। तो हम इसको थोड़ा देर छोड़ दिए हैं, इसको पूरा समेट लेते हैं। अभी पूरा ठंडा जाए, अगर पूरा हार्ड हो जाएगा तो इसमें थोड़ा सा सुसुम दूध आप डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा मलेंगे तो इसको पहले एक बर्तन में खाली कर लेते हैं। गर्म पैन है, तो देखिए हमारा पूरा सूख गया। इसको इस तरह से हम खाली कर लेंगे बर्तन में। हम एक बॉल में थोड़ा सा निकाल लेते हैं, इसको पिस्ता के साथ मिला के इसके साथ रोल करेंगे। अब इसको हम, ये हमारा केसर का दूध है, ये अभी बहुत ज़्यादा गर्म है तो ये थोड़ा सूख गया है, तो इसीलिए अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा सूख जाता है घानी में तो थोड़ा सा दूध का ही छीटा दे करके हम जो हम केसर पिस्ता रोल बताए हैं तो इसको इसका पत्ती छोड़ करके हम इसको थोड़ा सा दूध का छीटा दे करके मल लेंगे। अगर हाथ में थोड़ा बहुत ज़्यादा गर्म है तो ये हाथ में लगता है, तो किसी बर्तन के सहारे से इसको, इसका जो दानापन है वो ख़त्म करना है। इस बर्तन के सहारे से हम इसको सबको मल लेंगे, जैसे आटा का लोई बनता है उस तरह से बना के हम इसको रखेंगे। और ज़्यादा हाथ से मलेंगे तो इसमें घी छोड़ देगा, घी नहीं छोड़ाना है, इस बात को आपको ध्यान देना है। थोड़ा सा सुसुम सुसुम दूध डालें। तो आपको लगता था जी कि आपका पूरा, हम काजू को घाट करके पूरा रख दिए थे तो पूरा सूखा सूखा हो गया था, थोड़ा हार्ड हो जाता है, तो परेशानी नहीं होना है। वही दूध का या गुलाब जल का छीटा लेकर के नॉर्मल हम जैसे आटा का लोई बनता है उस तरह हम मावा का लोई बनता है या आटा का बनता है। तो ये अभी भी मेरा गर्म है, इसको एक बर्तन में ट्रांसफ़र करके रख देंगे और इसका पिस्ता का आइटम तैयार कर देंगे। तो इसको एक बर्तन में रख दिए हैं और एक साफ कपड़ा से ढक देंगे। इस तरह से हम लगभग 25 से 30 ग्राम पिस्ता हम एक घंटा पानी में भिगो दिए थे। और ये हमारा छिलका देखिए, थोड़ा छिले हुए, थोड़ा सा बचा हुआ, जो आपको छिलके दिखाते हैं किस तरह से करना है, जो आसान से छिलेगा। बस इस एक पिस्ता लेना है, इस तरह से हाथ के हल्का पुश करना है, निकल जाएगा, एकदम आसान से छिला जाएगा। इसको छीलने के बाद थोड़ा इसका दाना बनाएंगे, इसको पीसेंगे नहीं। तो ये हमारा आराम से आप घर बैठे 700-800 रुपये किलो तक में आप बना सकते हैं आराम से। आप तो बताएं, 200 ग्राम काजू में 180 ग्राम चीनी देना है और आराम से 1 केजी काजू को बनाना है तो 900 ग्राम चीनी दीजिए, 250 ग्राम पिस्ता लाइए, आराम से 1.25 केजी बर्फी तैयार हो जाएगा। अब जोर लिए क्या लागत लगा है, इसीलिए परेशानी नहीं है, एकदम झंझट, कोई झंझट नहीं है, एकदम आसान इजी तरीके से है। तो चलिए हमारा सारा पिस्ता छिल लिए हैं, इसको पानी से निकाल करके एक सूखा कपड़ा में इसको पहले पोंछ लेंगे। तो देखिए कपड़े पर रख लिए हैं, हलवाई का है, मिठाई का छेना छानने वाले कपड़ा है। और आपको नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाएंगे कि फटाफट से लाल रसगुल्ला काला जामुन कैसे बनता है। जो आप लोग को परेशानी होता है कि छेना फाड़ें कि फट गया दूध, संजो कभी घर में बहुत मात्रा में दूध लेते हैं और फट जाता है तो परेशानी होता है, क्या करें, उसी प्रकार से हम फटाफट दूध का या मार्केट से छेना ला करके आप झटपट रसगुल्ला बना सकते हैं। तो चलिए इसको हम इस तरह से हम पोंछ लिए हैं, इसी प्लेटफार्म पर हम उछल देंगे इसको, इस चाकू के सारे इसे इस तरह से हम, या एक धार वाला गिलास से भी आप इसको कर सकते हैं। अब इससे ज़्यादा महीने करेंगे जो हमारा दाना मुंह में बिठाएगा ही। इसमें हम थोड़ा सा ग्रीन रंग ऐड करेंगे, ये हमारा ग्रीन रंग है, थोड़ा सा दूध में घोल लेंगे। इसको पिस्ता कलर भी कहा जाता है, फूड कलर है खाने का। अब इसमें हम जो थोड़ा सा काजू रखे थे ऐड कर करके इसको बराबर से मिला लेंगे हम, इस प्लेटफार्म से मिला कर उठा करके इसमें डाल देंगे हम। और ये हमारा केसर जो है इसमें सब ऐड कर लेंगे, इसको अब मिक्सिंग कर लेंगे, आराम से हम मिक्सिंग कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें ग्रीन करने के लिए हम जो कलर घोल के रखे हैं वो डाल देंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया है, इसको अब सेट कर लेंगे। ये हमारा जो है काजू ढक के रखे थे उसको उखाड़ लेते हैं। ये देखिए हमारा, ये भी हमारा भी सुसुम है, इसको इस तरह से हम हाथ के सहारे से इसको थोड़ा सा फैला लेंगे। तो इस तरह से हम हल्का से बेलन से, जैसे रोटी घर में बेलते हैं उस तरह से ताकत लगा कर नहीं, हल्के हाथ से बेल लेंगे। आप चाहें तो इसी का मोदक भी बना सकते हैं, काजू मोदक। इसको बेल लिए हैं और जो हमारा पिस्ता का जो था इसमें डाल दिए हैं, लंबा सा लेयर दे देंगे इसमें हम।
उसका हम कर लिए और इस तरह से एक बार से इस तरह से लेयर हम इसको कर लेंगे। थोड़ा हाथ से हम दबा लेंगे। ये हमारा ये रोल का शेप तैयार हो गया है। तो ये इस तरह से हम चांदी का जूता लेंगे, इस तरह से हम बेलन की तरह बेल लेंगे। जो बचा हुआ है उसको इस तरह से फिर दूसरे पार्ट में हम बेलन से बेल लेंगे। इस तरह से सिल्वर रोल लगा करके हम आधा घंटा के लिए इसको सेट होने के लिए थोड़ा ठंडाने के लिए छोड़ देंगे। तो इसका पीसेस तैयार कर लेंगे। ये हमारा आधा घंटा हो गया, इसका हम पीसेस तैयार कर लेंगे। हम साइड से इस तरह से हम पीस आप अपने अनुसार भी काट सकते हैं। ये हमारा इसी तरह से सारा पीसेस कर लेंगे हम। तो चलिए ये हमारा मिठाई आपके बीच बन के रेडी हो गया है।